अनुषा और करण का रिश्ता क्यों टूटा, इस बात को अब लव स्कूल के कॉन्टेस्टेंट ने कहा है और उसने बताया कि ये बात उसको तभी पता चल गई थी जब उसके शो को करण और अनुषा होस्ट करते थे। तो कौन है ये, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी कि आखिर इसने क्या कहा है। मैं बात कर रही हूँ रवीज किंग की, जो कि लव स्कूल के कॉन्टेस्टेंट है और शो आप जानते ही हैं कि करण और अनुषा जो है होस्ट करते थे और करण और अनुषा का एक लंबे अरसे तक अफेयर रहा। हालांकि क्या हुआ, क्यों दरार आई, इस बारे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अनुषा ने कई बार इस बात की ओर इशारा ज़रूर किया कि करण की गलती थी, लेकिन करण ने इन सारी चीज़ों पर हमेशा चुप्पी बनाए रखी। अब रमीज़ कहते हैं कि तेजस्वी जो है हॉट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस बात से खुश हूँ कि करण भाई ने जिस तरीके से उसे पटाया है। जहाँ तक बात है अनुषा और करण के रिलेशन की, वो कहते हैं कि वो तो लव स्कूल के दौरान ही ओवर हो गया था, मुझे बिल्कुल वो सेम एनर्जी जो है लगती ही नहीं थी करण कुंद्रा की अनुषा के लिए, जो एनर्जी मैं उनकी तेजस्वी के लिए देखता हूँ। तो एक बात तो तय है कि बतौर कपल भले ही वो ये शो होस्ट कर रहे थे, लेकिन एक एनर्जी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर किसी कपल से कोई शो होस्ट कराया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो कपल की एनर्जी देखनी चाहिए। आप भारती हर्ष देखिए या फिर और भी कपल देखिए, जब जो एनर्जी अब तेजस्वी करण में दिखती है, तो उसका ये कहना है कि मुझे उसी समय भी ये कोई एनर्जी दिखती ही नहीं थी उन दोनों में, और तभी मुझे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है। हालांकि रमीज ने ये भी कहा कि मैं इस बात को लेकर बेहद खुश हूँ कि तेजस्वी जैसी लड़की जो है करण भाई को मिली और उन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में लाजवाब है। तो आपको रमीज के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा।